तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू वीडियो बैक हियर। सो आई थिंक सब सब बढ़िया होंगे, आगे बढ़े रहे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लासिक विथ रैंडम स्क्वाड, और एक मेरे फ्रेंड्स लिस्ट से, पर मैं उसको अच्छे से जानता नहीं हूँ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सो आज भी हम रैंडम स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं और देखते हैं कैसा वो होता है, मतलब एक्सपीरियंस कैसा होता है। मेरा पिंग बहुत हाई आ रहा है, पता नहीं क्यों। 600 भी हाँ, 500 500 600 600 पिंग आ रहे हैं, आई डोंट नो वाई। अरे इधर बंदा उतरा है, शिट, वो मैं अकेला आया हूँ। इसको मारूंगा, कहाँ है बंदा? कैन फाइंड हिम, छोड़ो अभी मैं लूट ले लेता हूँ। उसको मारना तो है, कुछ भी हो जाए। चलो ग्रेनेड भी दे लिया, बैट मिल गया। मैंने मार दिया इसको, एक और बंदी थी ना इधर, आसी पास होगी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने नया इलाइट पास खरीद लिया है। जी हाँ, मैंने ये न्यू वाला इलाइट पास खरीद लिया है, बहुत ओपी इलाइट पास है भाई। दोनों नॉक, यही होता है रैंडम स्क्वाड में खेलने का नतीजा, दोनों नॉक हो गए। मेरे पास वेपन नहीं है यहाँ पे अच्छे। उस पंदी कहाँ होगी यार, वो गाइस आई डोंट नो वे शी इज। सॉरी गाइस, मैंने बीच में रोक दिया था, और आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मेरी सिस्टर आ गई थी, हम भी अब क्या कर सकते हैं ना। अभी चलिए चलिए आगे चल के मारेंगे। आगे मुझे शायद साउंड आया, जैसे वो आया था बंदे का फायरिंग, फायर कर रहा था ना वो आगे की तरफ। यार ये बैकपैक इसके इतनी मस्त नहीं लग रही, मैं चेंज करूंगा अभी इसको, अपना लाइट पास वाला लगा लूंगा। चलो चलो चलो, ओपी कट्टा मिल गई, पास है तो लाख गुना अच्छी है। कट्टा चलेंगे, एमपी मिल गए तो उसको भी चला चला लेंगे, पर अभी तो कट्टा ही चलाया जाएगा, कुछ भी हो जाए। हाय हाय, मेरे पास तो फार्मर्स की भी स्किन पड़ी है, बिकॉज आई एम रिच। मुझे ग्लोवल चाहिए एयरशिप में, मेरे पास एक भी ग्लो नहीं है। तो ग्लोवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज मच एज चीज़ एंड चीज़ पिज्ज़ा। ये मेरा टैग लाइन है। आगे बंदा, चलो अभी देखता हूँ मैं कैसे नहीं मार पाती। बंदा का है, ओहो यही पे नीचे है, पक्का नीचे है। एक गोली का था, दो तीन गोली से तक नहीं था वो। अरे वो इंसान था, देखो मुझे स्पेक्टेट कर रहा है, क्योंकि इंसान ही स्पेक्टेट करते। ओह आगे है बंदा, मैं उसके पास जाऊंगा। भाई इतने सारे बंदे, वो कितना आगे भाग रहा है। भाई 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 भाई, भाई, भाई। ए इसने मुझे लाइक दिया,
यार बंदा था शायद, मुझे मेरा किल नहीं मिला लगता है, भाई मुझे वो लाइक देख के गया, लाइक इट, जो मुझे लाइक देते हैं वो मुझे पसंद आते हैं। शिट, मैं मरा मैं मरा मैं मरा, मुझे लगता है ऐसे मुझे भाग जाना चाहिए। अरे रे रे, क्या करूँ अभी मैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भागो, रन भाई, भाई मैं भाग रहा हूँ ऐसे ही, वो दोनों को मैं अकेले कैसे संभालूंगा। या फिर एक काम करते हैं, रोटेट करके जाते हैं उनके पास, मेरे पास तो ग्लो भी और भी नहीं है, मैं कैसे मारूंगा। यार रोना नहीं चाहिए यार, कवर लेके मारूंगा। ओहो, उनको पता ही नहीं मैं इधर रोटेट करके आ चुका हूँ। उनको, वो मुझे ढूंढेंगे अभी, मैं हूँ ही नहीं उधर, मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं, अब कहाँ से मारोगे। अरे शिट यार, मुझे लगता है अभी आगे तक खींचना पड़ेगा, वीडियो भी लंबी नहीं बन रही, वीडियो तो अपलोड करनी है कि मुझे व्यूज़ चाहिए। कोई मिलूँगा ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। तुम्हें क्या लगा मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं करूँगा, इतना भी नूब नहीं हूँ। हाँ हूँ मैं नूब, बात है, पर मैं इतना भी नूब नहीं हूँ। बंदे आगे आगे, बंदा, तीन लोग देख रहे हैं मुझे, चलो चलो आगे हम चलते हैं। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। इसे भागेंगे, रन रन, टॉ रो 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 रो, टॉ रो 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 रो, रन। इसे पूरा घूम के जाऊंगा मैं, कैसे पकड़ेंगे मुझे, अभी फिर से घूम के जाऊंगा। मैं अपनी मूवमेंट स्पीड, पता है मेरी केली लेवल 6 की है, फिर भी लगता है कि आई मीन लेवल 8 की है, मतलब मैंने उसको लेवल 8 के कट से कर दिया था, फिर भी लगता है कि यार कितना धीरे मैं भाग रहा हूँ, आई डोंट नो वाई। उनको पता ही नहीं है कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। यार डुओ वर्सेस सोलो तो मैं कर ही सकता हूँ, इतनी जो क्षमता है। हाँ वो बात है, अगर कुछ अल्ट्रा पीरो हुए तो फिर प्रॉब्लम होगी, लोग रश मार रहे हैं मेरे पास, लगता है मेरे पे, हाँ लगता है ऐसा ही रहे। इसका लूट लेके भागते हैं यहाँ से, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मुझे एक वेस्ट चाहिए, पूरी वेस्ट फाड़ दी उन लोगों ने, भागो यार यहाँ से। उनको चकमा देके भागा हूँ ना मैं भाई, मजा आ गया। देखो फिर से घूम फिर के क्लॉक टावर ही आए, घूम फिर के बुड्ढू घर को आए, ऐसी तरह काइंड ऑफ स्टोरी हो गई है, पूरी दुनिया घूम लिया फिर आया, आना लास्ट में क्लॉक टावर ही पड़ा। ए
यार एमओ का पैकेट ले लेता हूँ। मेरे मैं तो पलोमा भी लग मैंने मुझे दो लेवल के कार्ड मिले ना, मैं सोचा यार क्यों अपने शो ऑफ करने के लिए, मैं सोचा यूज़ ही कर लेते हैं, इसलिए मैंने दोनों पे यूज़ कर दिया। मतलब एक तो अपने कैली पे यूज़ कर लिया और एक अपनी क्या बोलते हैं एक पलोमा पे। पलोमा मेरे पास पहले से पड़ी थी पर मैं उसका यूज़ नहीं करता था बिल्कुल, पर अभी मैंने किया और उसको लेवल 8 कर दिया क्योंकि पलोमा की एबिलिटी मुझे अच्छी लगी है। लेवल 180 यार एमओ जगह नहीं लेते, अभी अभी तक मैंने एक भी यार एमओ जगह नहीं लिया। अभी जोन बनेगा तो इन्फो बॉक्स में पता कर लूँगा कहाँ जोन बना है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जोन बनता है। अरे रे रे उनसे पता नहीं, वो दोनों बंदे अभी भी सोच रहे होंगे कहाँ भाग अबे मैं कभी नहीं मिलूंगा तुमसे तुम्हें बंदा। भी जोन पता करता हूँ। वहाँ पे बना, चलो उधर स्नाइपिंग टावर पे बैठ जाता हूँ, बेस्ट आइडिया। स्नाइपिंग टावर पे चलते हैं वहाँ से। पता नहीं मेरा पिंग इतना हाई क्यों आ रहा है। चलो चलो पांच हैं, पांच में से एक बंदा तो गड्डी में बैठा है। स्नाइपिंग टावर पर बैठ जाता हूँ। मारो 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 ओह शिट मर गया मैं। मुझे लगता है ये दोनों थे, पक्का ये दोनों थे जिनसे मैं बच बच के भाग रहा था। सो गाइस वीडियो ये तक तो सीमित थी, रैंडम्स का तो साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने उन दोनों को बहुत घुमा घुमा के बेहोश कर दिया। सो साइनिंग आउट बाय शौर्य ओझा, पीस।